हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. तो वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल. यस, आई हैव टू चैनल्स, एक फैबुलस ज़ारा और एक फैबुलस ज़ारा ब्लॉग. तो फैबुलस ज़ारा ब्लॉग पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. अच्छा ठीक है, तो आज जो है मैं जा रही हूँ अपनी नंद के यहाँ. बहुत ही जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ रहा है. तो अभी बज रहा है सुबह का तो बिल्कुल नहीं बज रहा है, शाम का 5:30 बज रहा है. और अब मैं निकल रही हूँ. लेकिन हाँ, उससे पहले मुझे डिसाइड करना है कि मुझे पहन के क्या जाना है. नंद क्या जाना है, बहुत ज़रूरी है जाना. अगर ज़रूरी ना होता तो ना जाती मैं, लेकिन जाना ज़रूरी है. ओके, तो मैं क्या पहनने वाली हूँ, आई डोंट नो कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. अच्छा, पहन डिसाइड करके बताती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. सब कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है. स्लो आती है, कोई नहीं, इसलिए आज मैं चीख चीख के बोलूँगी, चीख चीख के. या गाइस, मैंने निकाल लिया अपना कपड़ा जो मुझे पहन के जाना है. तो जब ब्लैक हो मेरे पास तो मुझे कुछ और कलर नहीं दिखता है. इग्नोर माय हेयर, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर रखी है. तो दिखाती हूँ आपको. तो ये है मेरी ड्रेस, ये मैंने DIY करके बनवाई थी अपनी ड्रेस. तो ये अनारकली है, आप देख सकते हो अनारकली है. बस फटाक से मैं इसे पहन के आती हूँ. ओके गाइस, मैंने अपना सूट पहन लिया, यू कैन सी. ये मुझे बहुत ज़्यादा एक टाइम पे पसंद थी, बट मैं बहुत दिनों के बाद इसे पहन रही हूँ. तो फटाक से हल्का और सा मेकअप करके मैं आती हूँ. गाइस, सो आई एम रेडी. मैंने यहाँ पे लगा लिया हिजाब, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा वाली ठंडक है. तो अब मैं निकल रही हूँ, सीधे आपको मिलूंगी अपने नंद के घर पे. बाय बाय गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने नंद के यहाँ. ये सिलसिला बस यही चलता रहे. उनसे भी ज्यादा उनको फिक्र है मेरी. कहते थे मुझसे रुक सत न होंगे मिलके दोबारा. हाय सारा, मैं अंदर जिन्नात है. जिन्नात? हाँ, खोला कैसे तुमने? जिन्नात है. अभी ये तो बंद था, हमने इशारा किया, यूं खुल गया. क्यों पूछ रहे? हाँ, क्योंकि आज ना ये वॉल बेसिन जो बाहर वाला है, हाँ, वो भाव से टूट गया. तो भाई को लगा कि कोई कूदा. अच्छा, तो हमने बंद करके रखा था. बहुत अच्छे से बंद किया था. एक इशारा खाली ऐसे किया और क्या, खुल गया. गाइस, मैं आ गई हूँ. फॉग लगा है ना? फॉग नहीं है, फिर एनवी है. एनवी का नया आया है. ये तो फॉग जैसा लग रहा है, ब्लैक वाले का. एनवी का नया परफ्यूम लगाया है, इनकी लार टपक रही है. देखो आप, मैं बता देती हूँ आप लोगों को. जब मैं इनके यहाँ आई थी तो मैंने बिरयानी बनाया था. सबको इतनी ज्यादा पसंद आई थी बिरयानी कि मुझे फिर से बुलाया गया इनके जेल. बुलाया नहीं गया, हमको लेने के लिए भी आई है, प्लस ये भी इनको लेने के लिए भी आए हैं. और इनको जेट को, इनकी इनके जेट को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद आई थी. तो उन्होंने ख्वाहिश जताई कि हम एक बार और खाएंगे बिरयानी. तो यहाँ पे हम आज बना रहे हैं मीट की बिरयानी. तो हाँ, तो बना रहे हैं, हमेशा चिकन और मटन के बनाते हैं, बट आज मीट की बना रहे हैं. तो इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके हस्बैंड को और इनके जैन जी को. तो जल्दी जल्दी बिरयानी बनाते हैं, फिर हम लोग करेंगे मस्ती, फिर चलेंगे अपने घर. अभी होती है जो बिदाई लेने आई है, देख लो लेकिन ले आए हैं इनको हम. चलो हाँ यार, होती हैं ऐसे बहुत सी, मेरे जैसी होती. फाइनली गाइस, यखनी मैंने बना दिया है, चावल मैं बघार रही हूँ. बस चावल की देरी है. और इनकी जेठ जी को बहुत तेज भूख लगी है, मीन्स भाई जान को बहुत तेज भूख लगी है. तो कह रहे हैं बना बना बना, मेरे बस बन रहा है. तो अभी शैजी भाई नहीं आए हैं, मीन्स मेरे नंदो ये अभी तक नहीं आए हैं. और यहाँ पे शमा जी सलाद काट रही हैं बहुत तेज़ी में. और हम लोग को लेट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग पहुँचते पहुँचते. यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है घर का. तो हम जब आए हैं, हम छः बजे निकले थे. रुकते रुकाते नहीं आए हैं. आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, नहीं तो हम 10 मिनट में पहुँचते हैं यहाँ पे.
तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं इनका मेकअप कलेक्शन। मेकअप कलेक्शन तो यही दिखाएंगी, लेकिन इनकी लिपस्टिक मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इनकी लिपस्टिक कैसी, कितनी ढेर सारी लिपस्टिक है तो भी इनको लिपस्टिक चाहिए होती है, हर टाइम लिपस्टिक चाहिए होती है। ये दिखाएं आपको, ये है इनका ड्रेसिंग टेबल, ये देखिए इनका ड्रेसिंग टेबल है, ये इनकी शादी में मिला था इनको। और ये इनके ऊपर के कुछ ऐसे हैं, पेट साफ इनका नहीं रहता इसलिए पेट साफ वाली दवा रखी रहती है। इनके परफ्यूम्स वगैरह, और ये देखिए सिर्फ लिपस्टिक ही लिपस्टिक है मां, ये देखिए लिपस्टिक्स लिपस्टिक्स मोर लिपस्टिक मोर लिपस्टिक, और पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड के, इन माय बे लिपस्टिक वाइटी और क्या मैबलिन मिस रोज, बहुत सारी हैं इनके पास। बस ये पेट साफ वाले नेचुरल वाले, इनका पेट साफ नहीं रहता है। नहीं वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं, इन्हीं का मेरा पेट बहुत साफ रहता है। यही खाते हैं, अगर आप लोग का पेट साफ ना रहे तो आप ये वाला पेट सफा पेट सफा। सो गाइस ब्लॉगिंग के चक्कर में प्याज जला दिया हमने, ये देखिए लिपस्टिक दिखाने के चक्कर में, लिपस्टिक दिखाने के चक्कर में प्याज जल गई, अभी शमा को फिर दोबारा काटनी पड़ेगी। नहीं चलो हम काट दे रहे, बेचारी पिछली बार भी काटी थी तो, लेकिन लेकिन वो ये नुकसान हो गया, बहुत भयंकर यार। इनकी मॉर्निंग को खाना बनाना नहीं आता क्या, याद नहीं कर रही मम्मा ने जले नहीं, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गंदी बात है, झूठ बोलना गंदी बात, नदी किनारे देखिए क्या हाल हो गई प्याज की। प्याज ने अपना दम तोड़ दिया है यहीं पे, बोली अब हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, दम तोड़ चुकी है, कमेंट आएगा खाना बनाने का भी कोई हक नहीं है। सही बात, अब आप लोग कहेंगे खाना बनाने का भी हक नहीं है, हमें खाना बनाना आता है यार, ब्लॉगिंग के चक्कर में जल गई हमारी प्याज। ये लिपस्टिक दिखाने के चक्कर में जला दी। सही बात यार, यहाँ देखिए दूसरी प्याज, वो तो कोई इत्तेफाक से प्याज बच गई थी, नहीं तो अभी ये भी ना मिलती। गाइस मैंने बिरयानी बना लिया है, अभी दम पे रखा है, तो बस बिरयानी खा के हम लोग निकल लेंगे यहाँ से, 8 बज गया है, 1 घंटे में बिरयानी तैयार हुई है। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने घर, अभी अभी थोड़ी देर हुआ है, मैंने काजी को खाना खिला दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो वो मुझे, क्योंकि उसके अब्बा ने उसको दूध पिलाया था लेकिन उसका खाने से ही पेट भरता है, तो फिर वो उसको मैंने खाना खिला दिया और अभी उसको सुला दिया क्योंकि हम लोग को आते आते 10 बज गया था। और अब जानते हो कि अब आ गए हैं तो अब हम लोग जल्दी नहीं सोने वाले, कुछ ना कुछ कुराफात होती रहेगी अभी तो, ज़्यादा दिन के लिए खैर नहीं आई क्योंकि अभी अभी गई थी, तो वो हमको लगता है 1-2 दिन रहेंगी। और क्या, बस यही सब हो रहा है, नीचे बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है, नीचे क्या ऊपर भी बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है, तो लोग आग भाग जला के बैठे हुए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना जो है स्किन केयर वगैरह करूँगी, और थोड़ा सा मुझे वीडियो शूट करना है, एक मेकअप शूट करना है। तो गाजी सो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि अब अपना मेकअप वगैरह शूट कर लूँ क्योंकि फैबलस ज़ारा वाले चैनल पर मेकअप जाना है। बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है यार, बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा वाला हैक्टिक हो जाता है मेरा, बच्चों के साथ बच्चे के साथ, लाइक मेरा एक ही बेबी है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। फाइनली गाइस आपको दिखाऊं मेरी वो फेरी लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है फेरी लाइट मेरी, तो मैंने अपने बेड को कुछ इस तरीके से डेकोर किया है, लाइक ये वाली लाइट लगा दिया अपने बेड पे, और ये मेरी फेवरेट बेडशीट है, लाइक फेवरेट 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 वाली बेडशीट है, ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था दहेज में लेकिन ऐसी मैं अब ढूंढ रही हूँ तो मुझे नहीं मिल रही, इसका पूरा सेट है, लाइक कंबल, इसकी बेडशीट, उसका मतलब तकिए का गुलाब जो होता है, और ये लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, तो चलते हैं नीचे, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। सो गाइज मैं यहाँ पे अपना टाइम पास कर रही थी शीशे में देख के, देख रही थी कि कितनी मोटी हुई हूँ, कितनी दुबली हुई हूँ, तो आप मेरा
ड्रेस भी देख सकते हो, ये वाला पूरा ऐसा गेटअप आता है पहन के मैं गई थी जो। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। क्यों गाइस, मुझे इसे छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये मेरे साथ आई थिंक 9 साल हो गए या 10 साल हो गए ये मेरे साथ है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला, पता नहीं क्यों इतना भोला लगता, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसे ना छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, कसम से यार। तो चलो बाय बाय, बाय बाय बाबू, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, आई लव यू, बाय बाय। तो चलो बाय करते हैं, बाय बाय। सो गाइज नीचे चल रहे हैं और अब मुझे कुछ नहीं, कोई मेकअप वीडियो नहीं शूट करना है, बस मैंने यहाँ पे अपना स्किन केयर कर लिया है, अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल।